इस वक्त आपके पास यहाँ 200 से 300 से तकरीबन भैंसे हैं। जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आप यहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं अपना दूध, फिर वो किस तरह सप्लाई करते हैं, ये मिडिल मैन कौन है? मिडिल मैन होता है जो पैसे अपने इन्वेस्ट करता है, फिर आके वो सप्लाई करता है अपनी दुकानदारों को। ज़ाहिर वो हम यहाँ से दूध उनको भर के देते हैं, वो यहाँ से आगे सप्लाई करते हैं, उसका कमीशन होता है उसके अंदर। और दूध की जो क्रीम वगैरह काम आती है, आपने एक बताया था दूध की क्रीम को किस तरह, इसकी कोई लैबोरेटरी होती है क्या? हाँ, यहाँ पर हमारे पास 2-3 लैबोरेटरी यहाँ है शहर के अंदर है, जो इतना भी बता देती है कि इस दूध के अंदर अगर पानी हो तो वो भी बता देती है। वो दूध में आजकल पानी का बड़ा एक रुझान बढ़ता जा रहा है, लोग बोलते हैं ये दूध नहीं है पानी है, सिर्फ इसमें कलर डाल दिया जाता है, तो ये मैं चाहता हूँ आप इसको क्लियर करें। ये हुकूमत को पकड़ना चाहिए, उसकी लैबोरेटरी टेस्ट करे, सब कुछ खुद ही आएगा। हमारा दूध आपके सामने पड़ा हुआ है, हम तो खुद चैलेंज करते हैं, आगे चेक करो सबका, देखो ईमान तो सबका बराबर नहीं है ना, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी हर जगह पाए जाते हैं, पांच उंगलियां बराबर। बिल्कुल, तो बात यही है कि चेक करो, हर जगह जाके चेक करो, ये तो हुकूमत का काम है, ये अगर कोई गलत कर रहा है तो पकड़ो उसको, क्यों गलत करे। खालिस दूध की पहचान क्या होती है, जरूरी हमें लेबोरेटरी जाना पड़ेगा? ये अभी पी के पता लग जाएगा आपको, ये दूध पिलाना भाई को। अच्छा, तो ये बिल्कुल अभी ताज़ा दूध है, अभी अभी जो ये इन्होंने इसकी चॉई की है। कितने मिनट हुए होंगे उसको निकले? इसको एक दो मिनट हुआ होगा, एक मिनट तकरीबन मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी अभी इन्होंने निकाला है और ये हमें मैसर नहीं है। ये अब आगे दुकानदार का मसला, हमें उसका नहीं पता क्यों मैसर नहीं है एक आम आवाम के लिए, वो तो पैसे पूरे दे रही है। यार पैसे तो दे रहे हैं लेकिन आगे का हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ तक के जिम्मेदार, ये गेट तक, यहाँ से गाड़ी उठाएगी हमारा काम खत्म, यहाँ तक के हम जिम्मेदार हैं, आगे क्या होता है अल्लाह जाने। अगर कोई लेना चाहे तो वो डायरेक्ट आ सकता है आपके पास? ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। तो उसको आने के लिए यहाँ पर उसका नाम बताएं या एड्रेस बताएं? चिल्लर में नहीं होता वो, हमारा यहाँ पर टैंकी का हिसाब होता है ना, एक एक किलो दो दो किलो वाला काम तो यहाँ पर नहीं है, वो तो फिर आगे दुकान से मिले। बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जो बहुत अच्छा दूध बेचती हैं, कुछ लोग होते हैं जो खराब भी बेचते हैं, कुछ सारे एक जैसे नहीं होते, पाँच उंगलियाँ बराबर थोड़ी होती हैं, उनके ईमान का मसला है, वो अपना ईमान खुद खराब कर। बिल्कुल सही बात है, हमारा तो यहाँ पर हम जो दूध देते हैं, हमारे से बाकायदा जो दूध बेकार लेता है वो रोजाना की बुनियाद पर ही 8वें दिन एक क्रीम निकलवाता है, उस क्रीम के अंदर वो दूध की पर्ची, हमारी जो मशीनें हैं वो पानी का एक कतरा भी बता देती है, अगर होगा तो हमसे कंप्लेन करेगा पानी कैसे। तो नाज़िम ये मिडल मैन जिसने पैकार भी कहते हैं वो मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि दूध में आखिरकार पानी कहाँ से जाकर मिलता है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपका काम क्या है? मेरा काम ये है कि मैं यहाँ से दूध उठाता हूँ, दुकानों पर सप्लाई है मेरी, दुकानों पर सप्लाई कर। जी बिल्कुल। और पानी किस वक्त मिलाया जाता है और कौन मिलाता है? यार देखो, पानी तो अपने ईमान पे डिपेंड करता है इंसान के, कि वो कौन मिलाता है और क्यों मिलाता है। हमारी चीज़ को आपने चेक करना है, आप यहाँ चेक करो, इसके बाद गाड़ी जाती है हमारी, गाड़ी जहाँ उतारती है वहाँ चेक करो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी मिला हुआ या नहीं मिला हुआ। क्यों लोग करते हैं ऐसा? भाई देखो, सारी ईमान की बात है भाई, पैसा ने इंसान को बेईमान कर रखा है, हर आदमी बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा कमा लो। अब इस टाइम पे एक मन दूध की कीमत कम से कम भी 4,500-5,000 रुपये, तो अब इतना दूध है उसमें कोई एक मन पानी डाल के 5,000 कमा तो लेता है, लेकिन वो कब तक खाएगा? उसको अपना ईमान ख़राब करेगा, आगे जाके अल्लाह के घर जवाब भी देना उसे। कभी कोई हादसा हुआ वो बताओ? हादसा भी बारिश हुई है, हमें बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ से गाड़ी गई आधे रास्ते में बंद हो गई, और बंद हो के वापस आ गई, दूध वापस यहाँ जम गया, दूध खराब। ये थरी नस्ल है तो ये भी दूध देती हैं? हाँ, ये भी दूध देती हैं। इनका दूध कैसे होता है? इनका दूध माशाल्लाह, जो पंजाब की गाय है ना उससे बहुत अच्छा होता है, पंजाब की गाय से अच्छा होता है। पंजाब गाय से अच्छा। भैंस का भी दूध पिया जाता है, गाय का भी होता है, फिर ये थरी हो गई, ऊँट का भी दूध आता है, तो आप क्या कहते हो कौन सा दूध ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? गाय का हाँ फ़ायदेमंद ज़्यादातर गाय का है। किन किन मर्ज से बचाते हैं? ये पेट की जो बीमारियाँ होती हैं ना उसके लिए गाय का दूध बहुत अच्छा है, किसी को कब्ज़ हो रही हो, और जब कब्ज़ आपको पता 100 बीमारियों की माँ होती है, ये पेट को बिल्कुल साफ कर देगा गाय का दूध। गाय का दूध जो है ना इसका फैट कम होता है, ठीक है, भैंस के दूध का फैट ज़्यादा होता है, तो उस एतबार से भी गाय का दूध हमारे लिए बेहतर है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपके इल्म में इजाफा करूँगा कि गाय के दूध से आपको अगर कुछ पेट का मसला है या कब्ज़ का मसला है तो वो पीने से आपके सारे जो मसले हैं बॉडी में, जो भी जर्म्स है वगैरह, वो सब क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि गाय का दूध हमारी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है। ऊँट का भी एक दूध आता है, वो कहते हैं कि शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। ऊँट के दूध में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से शुगर के लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है। और ये पूरा जो 20 मन का डब्बा है, 20 मन का, तकरीबन 15 मन दूध है अभी, 15 मन दूध है। हाँ, तो ये हिला क्यों रहे? ये ताकि इसकी जो हीट है ना वो निकल जाए, क्योंकि दूध भर के भेजेंगे ना आगे तक, तो उसकी गर्माइश निकल जाएगी,
ठंडा हो जाएगा रूट। तो राजन ये इसका ड्रम है जिसका इन्होंने बताया कि ये पूरा जो ड्रम ये 20 मन का है और इस वक्त इसके अंदर 15 मन दूध मौजूद है और जिससे ये जो तबगीर है जिससे ये ला रहे हैं ये खुद एक 20 किलो का यानी कि आधा मन।